हेलो फ्रेंड, करण टेकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। एक कंप्यूटर यूपीएस है, इसका काम आप सभी लोग जानते ही होंगे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, पुराने यूपीएस को इन्वर्टर की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन्वर्टर की तरह यूज़ करने पर बहुत प्रॉब्लम आता है यूपीएस में। जैसा कि यूपीएस की पावर की जो बटन है ये, तो ये आपको ऑन करके रखना होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके अंदर बैटरी नहीं है, मैं बाहर में एक बैटरी लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यूपीएस को ऑन करेंगे तो यूपीएस का रिले ऑन हो गया है, लेकिन जब तक आप उसका पावर बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक यूपीएस ऑन नहीं होगा। मैं 100 वाट का बल्ब लोड की तरफ पर लगा रहा हूँ, और ये जो पावर बटन है तो ये ऑन करने पर यूपीएस चालू हो जाता है। और अगर मान लीजिए पावर फेल करता है, लोड शेडिंग होता है, तो बैटरी में चलता है जैसे कि अब। लेकिन अभी अगर बैटरी का वायर हमने निकाल दिया है, फिर से अगर लगाएंगे तो फिर से दोबारा पावर बटन को ऑन करके ही आपको यूपीएस को चालू करना पड़ेगा, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। तो फिर से पावर बटन को ऑन करके इसके चालू करा, और एक बार शट डाउन होने के बाद बैटरी जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक यूपीएस ऑन नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप यूपीएस से बैटरी कनेक्ट करते हैं बाहर कोई बड़ा बैटरी, तो यूपीएस 220 वोल्ट से ही बैटरी को लगभग चार्ज करता रहता है। अब इसको चार्जिंग को स्टॉप नहीं, जब तक यूपीएस ऑन रहेगा, फ्लैग चाहे यूपीएस पावर बटन से ऑफ हो, लेकिन फिर भी ये फ्लैग ऑन रखने से चार्ज बैटरी को चार्ज करता है। मैं आपको चार्जिंग भी दिखा देता हूँ। 10 एम्पियर पर सेट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं लगभग 760 मिली एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। यूपीएस को आप मैन्युअली ऑन ऑफ करने की ज़रूरत, फिर से आपको ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो लोड ऑन नहीं होगा। और अभी आप देख सकते हैं यूपीएस को हैक करने के बाद, तो बैटरी का कनेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं बैटरी का कनेक्शन नहीं है, ये बैटरी के बिना भी काम करता है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम बैटरी की वायर लगा के रखेंगे, बैटरी की वायर जोड़ दिया है, तो अभी ऑटोमेटिक काम करेगा, यूपीएस ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। अब देखिए प्लग को खोल दिया है, बैटरी से चल रहा है, और वायर को निकाल दिया है, बैटरी की वायर को, फिर से बैटरी की वायर हम लगा दिया है। यूपीएस के जो स्विच है, मैंने स्विच को ऑन नहीं किया, अब देखिए फिर से स्विच को ऑन करेंगे, पावर चालू। और अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो यूपीएस ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो पावर बटन को कोई काम नहीं है, आप अगर चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं।
फाइनली ऑन हो गया है। अब फिर से अगर बंद करेंगे तो बंद हो गया है। अभी एसी कॉर्ड को ऑन करने पर भी आपको मैनुअली ऑन करना पड़ता है, नहीं अभी ये रिले लगाने के बाद। अब देखिए देखिए तो डायरेक्टली चल गया है और चार्जिंग नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और अगर मैंने प्लग को ऑफ कर दिया, अब देखिए ऑटोमेटिक चल गया। तो कैसा लगा सर्किट आप देख सकते हैं। तो अभी चार्जिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी बैटरी से चल रहा है। तो एक बार भी मैंने स्विच को नहीं दबाया, तो मैं अभी खोल दे रहा हूँ, खोल के फिर से लगा रहा हूँ सिर्फ बैटरी को वायर, और फिर से दबा रहा हूँ। तो पावर एसी 220 वोल्ट में चल रहा है। अभी मैं ऑफ करूँगा तो फिर से अब बैटरी से हो जा रहा है। तो मैंने बटन को एक बार भी नहीं दबाया, मैं फिर से खोल दे रहा हूँ, फिर से लगा रहा हूँ। अब देखिए देखिए कैसा मजा आया।